गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? मैं संतोष श्रीवास्तव सुपर 60 एजुकेशन हब से एक बार फिर चौथी सीरीज यानी कॉमन एरर्स पर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर के सेट्स के क्वेश्चंस हैं वो उसकी चौथी सीरीज लेकर एक बार फिर मैं हाजिर हूं। ये फिर से 10 क्वेश्चंस का सेट है। इसके पहले 3 सीरीज यानी 23 क्वेश्चंस आपको दिए जा चुके हैं और आप निश्चित ही उनसे फायदा ले सकते हैं यदि आप उन्हें रेगुलरली पैटर्न पर सॉल्व करते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, कितने बेहतर समझ सकते हैं। और अब की बार मैंने जो कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं मैंने उनके सॉल्यूशंस भी आपको दिए ताकि आगे वो क्वेश्चंस आप देख सकें, तैयार कर सकें। आप उसे पॉज करके देख सकते हैं आगे वीडियोस में और बेहतर कर सकते हैं, मैं उन्हें समझा देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन, व्हाट रियली मैटर्स इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ इज टू ओवरकम वंस फेयर। व्हाट रियली मैटर्स इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ इज टू ओवरकम वंस फेयर। जल्दी से देखें और बताएं ये कौन सा पार्ट ऐसा है जो एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता सकते हैं कि ए है, बी है, सी है या फिर नो एरर है, मीन्स बी पोश। क्या एरर हो सकती है? व्हाट रियली मैटर्स इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ इज टू ओवरकम वंस फेयर, नो एरर। व्हाट रियली मैटर्स सही है, इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ। यहां अगर आपके मन में ऑफ आ रहा हो तो नहीं होगा, आपने एक पहला चैप्टर पढ़ा था रोज में इंटरमीडिएट में, माय स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, तो स्ट्रगल फॉर लाइफ सही है। इश टू ओवरकम वंस फेयर यानी व्हाट रियली मैटर, जो चीज सबसे अधिक मायने रखती है इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ, जीवन के लिए संघर्ष, यानी जीवन के लिए संघर्ष में जो चीज सबसे अधिक मायने रखती है इस वो चीज है टू ओवरकम वंस फेयर, कि कोई अपने भय पर काबू पा सके, नियंत्रण पा सके। अगर आपके मन में आ रहा हो कि इज टू ओवरकम वंस फेयर, यहां वंस कैसे आएगा, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, आप यूज कर सकते हैं। यदि आपका कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं आपके पास है तो आप वन का प्रयोग एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में करते हैं, जैसे वन हैज टू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड, वन हैज टू डाई, ये आप करते हैं। ये वंस सही आपके यहां कोई एरर नहीं। जो एरर हो सकती थी वो एरर हो सकती थी इस, लेकिन है नहीं यहां। क्यों? क्योंकि व्हाट रियली मैटर्स इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ ये पूरी एक क्लॉज है जो यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रही है, और ये इश टू ओवरकम वंस फेयर ये उसका प्रेडिकेट है। तो अगर ये पूरी क्लॉज है तो आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन सी चीजें हमारे सब्जेक्ट का काम कर सकती हैं। देखें, हमारा सब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है, एक जेरंड हो सकता है, एक इन्फिनेटिव हो सकता है, और एक पूरी क्लॉज हो सकती है, इट हो सकता है, देयर हो सकता है। आप इसे अच्छे से तैयार करिएगा, इससे आपके कई सारे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आपको दे जाते हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। तो फिर से यहां पर देखें, व्हाट रियली मैटर्स इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ, ये पूरी क्लॉज है तो क्लॉज सिंगुलर होती है, तो इसका प्रेडिकेट की जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहां इश टू ओवरकम वंस फेयर सही है, यानी इस पार्ट में पूरे एबीसीडी में कोई एरर नहीं आपकी है, नो एरर हो जाए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। नो अदर न्यूज पेपर हैज सो लार्ज अ सर्कुलेशन लाइक दिस न्यूज पेपर इन इंडिया। जल्दी से देखें आप, कोशिश करें बताने की क्या एरर है इसमें। नो अदर न्यूज पेपर हैज सो लार्ज अ सर्कुलेशन लाइक दिस न्यूज पेपर इन इंडिया। ये सारे क्वेश्चन मैं वही आपको दे रहा हूं जो आगे आपके काम आएंगे, जो प्रीवियस ईयर सेट्स के हैं या फिर मैंने अपने से चूज किया है कि इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस आपके सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह में आपके यूज में आने हैं। क्या एरर है? नो अदर न्यूज़पेपर हैज सो लार्ज अ सर्कुलेशन। अगर आपको ऐसा लगता हो कि सो लार्ज के बाद जो ए है नहीं रहेगा तो ये सही आपका है, यहां पे कोई एरर नहीं, आगे मैंने इसे समझाया है तो यहां कोई एरर नहीं। अगर आपको लगता है नो अदर न्यूज़पेपर यहां गलत हो सकता है तो ये सही है, क्योंकि हम एक ही ग्रुप की चीजों की बात कर रहे हैं तो नो अदर का प्रयोग या एनी अदर का प्रयोग होता है, तो यहां पे लगेगा।
तो नो अदर न्यूज़पेपर हैज सो लार्ज अ सर्कुलेशन लाइक, कुछ समझ में आया? नो अदर न्यूज़पेपर हैज सो लार्ज अ सर्कुलेशन लाइक दिस न्यूज़पेपर इन इंडिया. ना ना, सो का कॉम्बिनेशन लाइक से नहीं होता है, सो का कॉम्बिनेशन एज से होता है. तो यह होना चाहिए था नो अदर न्यूज़पेपर हैज सो लार्ज अ सर्कुलेशन एज दिस न्यूज़पेपर इन इंडिया. मैंने कल भी बोला था बोथ का कॉम्बिनेशन एंड हो सकता है, नॉट ओनली का कॉम्बिनेशन नॉर्मली बट आल्सो हो सकता है, वेदर का कॉम्बिनेशन आर हो सकता है, ईदर का कॉम्बिनेशन आर हो सकता है, नीदर का कॉम्बिनेशन नार हो सकता है. तो वैसे ही सो का कॉम्बिनेशन लाइक नहीं होगा, एज होगा. तो नो अदर न्यूज़पेपर हैज सो लार्ज अ सर्कुलेशन एज दिस न्यूज़पेपर इन इंडिया. सर्कुलेशन समझते होंगे प्रसार को कहते हैं, यानी भारत में किसी भी अन्य पेपर का उतना सर्कुलेशन नहीं है जितना इस न्यूज़पेपर का इंडिया में है. तो यहां आपका सी पोर्शन एरर हो, लाइक स्थान पे एज हो जाएगा क्योंकि कॉम्बिनेशन सो से आपको बनाना है. ये मैंने आपको अच्छी चीज दी, ठीक है, ये पढ़िएगा, काम आएगा आपके. मस्ट प्रिपेयर दीज रूल्स. सो का प्रयोग हो, टू का प्रयोग हो, एज का प्रयोग या हाउ, यानी सो टू एज हाउ हो, इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव हो और फिर सिंगुलर नाउन हो, तो जो ए एंड होगा वो एडजेक्टिव के पहले नहीं रखेगा, एडजेक्टिव के बाद रखेगा. जैसे ही हैज सो ब्यूटिफुल अ चाइल्ड, ए मैंने एडजेक्टिव के बाद रखा क्योंकि सो का प्रयोग था. यानी इस तरह गलत होगा, ही हैज अ सो ब्यूटिफुल चाइल्ड गलत माना जाएगा, ऐसे मैंने यहां दिया. लेकिन ध्यान रखिएगा सच का प्रयोग है तो सच के साथ आप ए एन को पहले रखिएगा एडजेक्टिव से अगर सिंगुलर नाउन है तो. जैसे इट इज सच अ ब्यूटिफुल बेबी, यानी यहां पे ए को मैंने ब्यूटिफुल के पहले रखा है. पढ़िएगा, काम आएगा, एग्जाम्स में अक्सर आपको दिए जाते हैं. चलिए ये थर्ड क्वेश्चन आपके सामने. दिस मेट्रोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ आर क्रिटिसिज्म हैव क्रॉस्ड ओवर to our own shores, bringing mist and clouds in its wake. This meteorological disturbance, ये जो मौसमी परिवर्तन है, व्यवधान है, in the atmosphere of art criticism, किस चीज के माहौल में? कला की आलोचना, यानी कला आलोचना के माहौल में ये जो meteorological disturbance है, have crossed over to our own shores. ये कहां तक आ चुका है? हमारे अपने shores तक आ चुका है. Bringing mist and clouds, और ये अपने साथ क्या ले आया है? Mist, यानी कोहरा ले आया है, and clouds, बादल ले आया है, in its shape, यानी जो इसके साथ बचा हुआ था. तो क्या error है? The meteorological disturbance in the atmosphere of our criticism, ये तो सही है. Have crossed over to our own shores. ध्यान रखिए मैंने कहा हुआ है, exam में जो सबसे अधिक section दिया जाता है, वो subject verb agreement का होता है. उसके बाद प्रीपोजिशंस का होता है और उसके बाद नाउन और अन्य चीजों का होता है. तीन चीजें जरूर तैयार रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित सारी क्वेश्चंस, प्रीपोजिशन से संबंधित सारी क्वेश्चंस और जो आपके नाउन से संबंधित हो. तीन सबसे अधिक एग्जाम्स में आपको कॉमन एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में और स्पेशली क्लोज टेस्ट में आपको दे जाते हैं. तो इनका बेहतर नॉलेज रखिएगा. तो क्या गलत? दिस मेट्रोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ आर क्रिटिसिज्म, ये तो सब्जेक्ट हो गया. अब ये पूरा सब्जेक्ट है आपका, दिस मेट्रोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ आर क्रिटिसिज्म. हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है दिस मेट्रोलॉजिकल डिस्टर्बेंस. सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है ना, तो इसका देखिए वर्ब क्या लिया गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत हैव लिया गया. तो अगर ये सिंगुलर है, दिस मेट्रोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, ये तो आगे है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ आर क्रिटिसिज्म, तो अगर ये सिंगुलर है तो फिर ये हैव कैसे हो सकता है? हैज होगा, हैज क्रॉस्ड ओवर टू आवर ओन शोर्स ब्रिंगिंग मिस्ट एंड क्लाउड्स इन इट्स वेक. इस लेवल पे आपके प्रिपरेशन होनी चाहिए यदि आप सीजीएल, सीएचएसएल या आगे बैंक्स वगैरह की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं. तो यहां पर आपका बी पोर्शन एरर है, हैव नहीं, हैज होगा. चलिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने. दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन, क्या बात है?
This watch is superior and more expensive than that one. That one सही ध्यान रखें. That one means this watch की जगह पे that one लगा. यानी अगर यहाँ this watch है, यहाँ that watch होना चाहिए था. तो watch repeat हो रहा है, तो उसका pronoun लिया गया that one हो गया. क्या error लग रहा है आपको? सोचे क्या error है? This watch is superior and more expensive than that one. देखिए, आपका किसी एक के साथ बिहेवियर कुछ और हो सकता है और किसी एक के साथ बिहेवियर कुछ और हो सकता है. जरूरी नहीं दोनों के साथ आपका समान बिहेवियर. तो ये जो देन है, ये एक्सपेंसिव के साथ इसका बिहेवियर कुछ और हो सकता है, लेकिन देन का सुपीरियर के साथ वो बिहेवियर नहीं हो सकता है. आपको पढ़ाया गया है, चाहे आप सुपीरियर का प्रयोग करें, चाहे इंफेरियर का प्रयोग करें, चाहे सीनियर का प्रयोग करें, चाहे जूनियर का प्रयोग करें, चाहे प्रायर का प्रयोग करें, चाहे एंटेरियर का प्रयोग करें, चाहे पोस्टेरियर का प्रयोग करें, इवन प्रीफर और प्रीफरेबल के साथ भी नॉर्मली आप देन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. तो फिर यहां देखें, दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन. ये जो मोर एक्सपेंसिव है इसके साथ देन चलेगा, लेकिन यही देन क्या सुपीरियर के साथ भी चलेगा? नहीं चलेगा. तो आपको सुपीरियर के साथ जो प्रीपोजिशन यूज करना है वो यहीं पे लेना होगा. तो दिस वॉच इज सुपीरियर टू होना चाहिए. दिस वॉच इज सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन होना चाहिए था. यानी ए पोर्शन में एरर है. मैंने इसे और बेहतर आगे आपको समझाया है. ये ही इज बेटर एंड सुपीरियर टू दिस वॉच, गलत है. सुपीरियर के साथ तो टू जस्टिफाइड है, यानी क्या यही टू बेटर के साथ भी होगा ना? यहां क्या होना चाहिए था? ही इज बेटर देन एंड सुपीरियर टू दिस वॉच. याद रखिएगा काम है ये बात. देखें, ही इज डिफरेंट देन यू. अक्सर आपके एग्जाम में डिफरेंट से संबंधित कॉमन एरर दिया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा डिफरेंट के साथ कभी देन नहीं आता है. ही इज डिफरेंट फ्रॉम यू होता है, काम आएगा, याद रखिएगा. I have and will complete this work. I have and will. दो हमारे पास helping verbs हैं और हमारे पास एक verb है, और ये verb जो है ये will के अनुसार है. तो क्या यही complete have के साथ भी होगा? नहीं हो सकता. तो आपको क्या करना होगा, ये complete पहले have के अनुसार यहां रखना होगा. I have completed and will complete this work. ये सीख जाए. Last sentence देखें, I can and will complete this work. क्या यहां कोई एरर है? ना, क्यों नहीं है? क्योंकि can के साथ भी complete आएगा और will के साथ भी. यहां complete आप common ले सकते हैं. I can and I will complete this work. याद रखें, अगर तैयार रखेंगे तो आपके दो numbers बिल्कुल easy हो जाएंगे आपके लिए. चलिए next question देखते हैं. Fifth, I would request to you to consider my application and Grant me a job as early as possible. चलिए ध्यान से देखें और बताएं क्या आंसर होगा. देख लें, पूरी कोशिश करें. I would request to you to consider my application. यानी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे एप्लीकेशन पर विचार करें and grant me a job as early as possible. और जितना जल्दी हो सके मुझे जॉब दे दें. क्या गलत लग रहा है? देख लें सेंटेंस को, और ऐसे सेंटेंसेस भी अक्सर आपको मिलेंगे. आ रहा समझ में कुछ? चल देख. आई वुड रिक्वेस्ट टू यू, आई वुड रिक्वेस्ट टू यू. तो आगे मैंने दिया है, बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद अगर ऑब्जेक्ट आप ले रहे हैं तो आप उनके साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनके साथ अगर आप ऑब्जेक्ट करते हैं डायरेक्ट तो आपको प्रीपोजिशन लेना होगा. ये मैंने यहां पर आपको दिया है. ये इस सारा पढ़िएगा, काम आएगा. ऑर्डर, अर्ज, एडवाइस, ओबे, कमांड, आस्क, टेल, बेग, विश, फॉरबिड, रीच, असिस्ट, हेल्प, सी, वॉच, नोटिस, फील, हियर, फाइंड. जैसी वर्ब्स अगर हैं तो इन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर न लेना. आई ऑर्डर्ड टू हिम, गलत है. आई ऑर्डर्ड हिम होगा. ही हेल्प्ड टू मी, गलत. ही हेल्प्ड मी होगा.
ही टोल्ड टू मी गलत है, ही टोल्ड मी। लेकिन अगर आप से का प्रयोग करें, स्पीक का प्रयोग करें, राइट का प्रयोग करें, प्रपोज का प्रयोग करें, सजेस्ट का प्रयोग करें, प्रे का प्रयोग करें, एक्सप्लेन का प्रयोग करें, एक्सप्रेस का प्रयोग करें, अगर इस तरीके के वर्ब्स हैं तो इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके पहले क्या ले लिया, टू ले लिया। जैसे He said me कभी नहीं हो सकता, क्या होगा He said to me, वैसे आप He said to me को He told me, He informed me वगैरह में बदल सकते हैं। He spoke me गलत है, He spoke to me होगा। He proposed me गलत है, proposed to me होगा। तो फिर ये जो क्वेश्चन आपका था ये I would request to you, request है ना, request के साथ आप ऑब्जेक्ट के पहले टू नहीं लगा सकते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू हो जाएगा, यानी ए पोर्शन में एरर है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके साथ, व्हेन एट लास्ट वी गॉट टू द थिएटर, यानी अंततः जब हम थिएटर पहुंचे तो द मच पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम, वो जो बहुप्रचारित प्रोग्राम था बाय द बॉलीवुड स्टार्स, किसके द्वारा, बॉलीवुड स्टार्स के द्वारा, वाज बेगन, क्या गलत है। When at last we got to the theatre, the much publicized program by the Bollywood stars was begun. देख लें और बताएं क्या गलती इसमें। When at last, no error, जब अंत में, अंततः, We got to the theater. We got to the theater. सही है, आपको लगेगा अगर we got to नहीं होगा सही है, या तो we reached the theater ले आ, या we got to the theater, दोनों सही है। The much publicized program सही है, publicized program, the much publicized program यानी बहु प्रचारित प्रोग्राम, by the Bollywood stars, किसके द्वारा, Bollywood stars के द्वारा, जो बहु प्रचारित प्रोग्राम था, was begun, शुरू हो चुका था, शुरू हो चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो वाज बिगन कैसे होगा, यहां पैसिव वॉइस तो है नहीं आपकी, तो वाज बिगन नहीं होगा, हैड बिगन हो जाएगा, नहीं शुरू हो चुका था, यानी सी पोर्शन एरर है, हैड बिगन होगा। यहां सातवां प्रश्न, हरी वाज अपॉइंटेड लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स, हरी वॉज अपॉइंट, हरी नियुक्त हो, लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स, यानी यंग सोशल वर्कर्स के ग्रुप के लीडर के रूप में, दैट, ये दैट क्या याद है आपको ना, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, दैट हैव एक्सेप्टेड टू हेल्प एंड डेवलप द विलेज इन द थ्री मंथ्स। चलिए कोशिश करें, ये तो कर सकते हैं आप, हरी वॉज appointed leader of a group of young social workers that have accepted to help, क्या गलत हो सकता है, समझ में आ रहा है कुछ, आ रहा है कि नहीं, चलिए देखते हैं। हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स दैट हैव, ये कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है, हरी वॉज अपॉइंटेड, और इसका रिलेटिव प्रोनाउन जो है दैट हैव ले रहा है, तो कैसे होगा, गलत है ना, यहां हो जाएगा दैट हैड या दैट एक्सेप्टेड, यानी आप इसे पास्ट में रखें न कि प्रेजेंट में यूज करें, तो हैव हटा दें, दैट एक्सेप्टेड टू हेल्प एंड डेवलप द विलेज इन थ्री मंथ्स, तो हैव हटा भी सकते हैं या तो हैव को हैड बना लें, फिलहाल ये आपकी एरर आपका सी पॉइंट में हो जाए। क्वेश्चन पे आ गए हैं लोग, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें आप, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे एक एनकरेजमेंट का व्यू आता है कि हम चले, हाँ हम भी बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो फिर बच्चे भी कहीं कहीं हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज शेयर करते रहें, और जो भी आपके मन में हो कमेंट करें, मैं उसका जवाब देता हूं, तो फिर आप कमेंट करें, बताएं जो कमियां हो, जो अच्छाइयां हो, उससे मैं बेहतर सीखने की कोशिश करूंगा, और लाइक करना ना भूलें ताकि आगे मैं बढ़ता रहा। चलिए एक क्वेश्चन आपका है, यू मे नॉट रियलाइज बट द वेदर इन बार्बाडोस ड्यूरिंग क्रिसमस इज लाइक न्यूयॉर्क इन जून, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आपने किए थे, यू मे नॉट रियलाइज, हो सकता है आपको एहसास ना हो, लेकिन
द वेदर इन बारबाडोस, लेकिन बारबाडोस का जो वेदर है ड्यूरिंग क्रिसमस, क्रिसमस के दौरान, यानी क्रिसमस के दौरान बारबाडोस का जो वेदर है इज लाइक न्यूयॉर्क इन जून, वो न्यूयॉर्क जून में न्यूयॉर्क की तरह है, जून में न्यूयॉर्क की तरह है बारबाडोस का वेदर। सही है क्या? नहीं सही। हम बारबाडोस के वेदर का कंपैरिजन कर रहे हैं और हम जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो न्यूयॉर्क ले रहे हैं। अगर हम बारबाडोस के वेदर का कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर न्यूयॉर्क से कैसे करेंगे? न्यूयॉर्क के वेदर से, वहां के मौसम से करेंगे। तो यू मे नॉट रियलाइज बट द वेदर इन बारबाडोस ड्यूरिंग क्रिसमस इज लाइक द वेदर इन न्यूयॉर्क, हो जाएगा इन जो। लेकिन चूंकि ये जो द वेदर है आप दोबारा यूज कर रहे हैं इसलिए उसके स्थान पे दैट वन का प्रयोग कर ले। तो यू मे नॉट रियलाइज इट बट द वेदर इन बारबाडोस ड्यूरिंग क्रिसमस इज लाइक द वेदर इन न्यूयॉर्क इन जून होगा, यानी सी पोर्शन में ग्रहण होगा। मैंने इसे और समझाया, आप देखें यहां पर ये द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन कम। हम पटना के क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो उसका कंपैरिजन कानपुर से कैसे हो सकता है? क्या होना चाहिए था? द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ कानपुर। लेकिन क्लाइमेट आप ले चुके हैं नाउ, तो दोबारा उसका प्रोनाउन ले लें तो द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ कानपुर हो जाएगा। ये भी देख लें, द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन आगरा। अगर हम दिल्ली की रोड्स की बात कर रहे हैं तो आगरा से कैसे कंपैरिजन होगा? आगरा की रोड्स से होगा, तो द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन द रोड्स ऑफ आगरा। लेकिन द रोड्स हमने लिया है तो उसका प्रोनाउन ले लें, द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ आगरा, क्योंकि प्लूरल है तो देन दोज ऑफ आगरा, उसे तैयार कर लीजिएगा, काम आएगा एग्जाम में आपके। नाइन्थ क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, ठीक है। विद सम मेन देयर मास ऑफ वेल्थ टूगेदर विद देयर सोशल इन्फ्लुएंस आर एन एक्सक्यूज फॉर देयर रॉन्ग डूइंग्स। फिर से देखें, विद सम मेन, यानी कुछ व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है, क्या होता है कि देयर मास ऑफ वेल्थ अर्थात के पास जो धन होता है टूगेदर विद देयर सोशल इन्फ्लुएंस, किसके साथ साथ? उनके सामाजिक प्रभाव के साथ साथ। तो टूगेदर विद देयर सोशल इन्फ्लुएंस यानी कि उनके सामाजिक प्रभाव के साथ साथ उनके पास जो धन होता है वो धन आर एन एक्सक्यूज फॉर देयर रॉन्गडूइंग, वो वास्तव में उनके गलत कारनामों के लिए एक्सक्यूज होता है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है देयर मास, मास अनकाउंटेबल है, देयर मास ऑफ वेल्थ, और किससे जुड़ा है? टूगेदर विद, आपको आगे मैंने दिया है टूगेदर विद का प्रयोग है, लॉन्ग विद का प्रयोग है, विद का प्रयोग है, लाइक का प्रयोग है, इन एडिशन टू का प्रयोग है, एंड नॉट का प्रयोग है, इन कंपैरिजन टू का प्रयोग है, और भी देन का प्रयोग है, लेड बाय, गवर्न्ड बाय, अकंपनीड बाय, कंट्रोल्ड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय का प्रयोग है, एज वेल एज का प्रयोग है। तो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार चले। तो टुगेदर विद के बाद क्या है ये हमारा मसला नहीं है, हमारा मसला है टुगेदर विद के पहले है देयर मास ऑफ वेल्थ, ये हमारा सब्जेक्ट। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो आर कैसे होगा? एच हो जाए। इस लेवल पे क्वेश्चन आप जरूर तैयार करिएगा अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर प्री ही नहीं मेंस भी आगे क्वालिफाई करना चाहते तो कठिन क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सके। चलिए यानी यहां पे विद देयर सोशल इन्फ्लुएंस एच हो जाएगा, यानी सी पोर्शन एरर है। और हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, लेकिन ये मैंने आपको दिया है पूरा सिस्टम। ये अगर शब्द दो सब्जेक्ट से जुड़े तो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे माई फादर विद माई ब्रदर्स आर गोइंग, गलत है, हमको लगेगा विद माई ब्रदर्स है तो आर हो जाएगा। जैसे हमने विद देखा, टुगेदर विद देखा, अलॉन्ग विद देखा, लाइक देखा, एज वेल एज देखा, और भी जो ऊपर में लिखे इनके साथ बाद वाले के अनुसार नहीं पहले वाले के अनुसार चलें। माय फादर विद माय ब्रदर्स इज गोइंग, ये मैंने दिया है आगे। द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर्स आर, टीचर्स के अनुसार नहीं चलेंगे, द स्टूडेंट के अनुसार चलें, क्या हो जाएगा? इच हो जाएगा, आगे दिया है मैंने। द किंग अकंपनीड बाय हिज क्वींस, क्वींस के अनुसार नहीं चलेगा, किंग के अनुसार चलेगा, तो हैव नहीं हैज हो जाएगा, तैयार करिएगा, काम आएगा। और अब हमें बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे अपने 10th क्वेश्चन और जरूरी 10-10 क्वेश्चन तैयार करिएगा, आपके काम आएगा आगे एग्जाम से।
the demand of the workers union that the dismissed employee to be reinstated has been accepted by the management. The demand yani ye maang kaun si maang of the workers union yani jo kaamdaron ke union ki maang hai kaun si maang hai wo that ki the dismissed employee ki jo barkhast employee hai to be reinstated use punah uski avastha mein laya jaye use bahal kiya jaye wo demand has been accepted by the management वो मैनेजमेंट के द्वारा स्वीकार कर ली गई है. तो द डिमांड के अनुसार हैज तो सही है, हैज बीन एक्सेप्टेड पैसिव वॉइस में सही आ रहा है. लेकिन यहां देखें द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट द डिसमिस्ड एम्प्लॉय टू बी रीइंस्टेटेड, क्या सही लग रहा है आपको? ना. जहां पर भी आप डिमांड का प्रयोग करें, प्रपोज का प्रयोग करें, सजेस्ट का प्रयोग करें, वहां टू बी रीइंस्टेटेड नहीं होगा, शुड बी रीइंस्टेटेड होगा. इनके साथ शुड का प्रयोग करते हैं जो मैंने यहां आपको दिया हुआ है. ये तो डिमांड का प्रयोग है, प्रपोज का प्रयोग है, सजेस्ट का प्रयोग है, इनके साथ शुड का प्रयोग करें, न कि आप इसके साथ टू वगैरह मतलब टू बी का प्रयोग करें. तो द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट द डिसमिस्ड एम्प्लॉय टू बी रीइंस्टेटेड का स्थान पर जाएगा द डिसमिस्ड एम्प्लॉय शुड बी रीइंस्टेटेड हो जाएगा, यानी बी पोर्शन में एरर. ये छोटा सा प्रयास है मन में ये भावना लेकर के कि ये छोटी छोटी चीजें आपके एग्जाम्स में काम आ जाए, आप सफल हो जाए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें, वो जो हमेशा चाहते हैं उनके बच्चे जो हैं वो सफल हो जाएं, तो आप भी सफल हो जाए. ये 10 पर्सन्स हैं, मेरी मेहनत है, आप भी मेहनत करें, घर पे रिवाइज करें, वीडियो जब चाहे आप देख सकते हैं, आप जैसे भी चाहे देख सकते हैं, बट एक एक क्वेश्चन तैयार करें. अगर आप लगे कि आप इसके बावजूद नहीं समझ पा रहे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वहां पे कमेंट करके पूछ लें आप, या जैसे भी मैसेंजर पे मेरे से बात कर सकते हैं आप कि आप पूछें सर ये क्वेश्चन आपने समझाया था लेकिन हमको समझ में नहीं आया. तो मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं फिर से आपको उसे समझा सकूं. चलिए, आशा ही नहीं विश्वास भी है कि आप इन वीडियोज को जरूर जरूर शेयर करेंगे आप, ताकि इससे मेरा उत्साह वर्धन हो सके. थैंक यू.